तो बच्चों ये चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ज्यादातर टीचर्स इसको छोड़ देते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करें इसके वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। तो फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, बट अगर आप बात करो एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो जरूर ये दिखता है, लगता है बच्चों को पढ़ना चाहिए, या कहीं ना कहीं मतलब इंफीरियर सोच आएगा कि क्यों पहला चैप्टर छोड़ दिया सब लोग। इसीलिए हम लोग इसको लाए हैं, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का हम सारे कवर कर देंगे आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब फिजिक्स का वर्ल्ड है। पूरे फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, कैसे आ गया, क्या है, पूरी कहानी थोड़ा समरी टाइप का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बात फिजिक्स की हो रही है तो बात शुरुआत होगी साइंस से। तो साइंस क्या होता है, द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको सिस्टमैटिक पता हो, सही ढंग से पता हो, सही ढंग का मतलब समझता है भाई, आपको पता है तभी वो साइंस में लिखा जाएगा। आप कैसा नहीं, जैसे आप देखो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, साइंस में तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, फोर्थ और फिफ्थ का नाम अभी शामिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चौथा और पांचवा के बारे में अभी सिस्टमैटिक नॉलेज हुआ ही नहीं किसी को, खोज चली रहे, एक्सपेरिमेंट्स अभी हो रहे, प्रयोग हो रहे हैं, जिस दिन पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा वो भी साइंस में शामिल किया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा कि फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर है। बट आप सुने हो कि पांच को नाम है बट अभी भी वो कंफर्म साइंस में आया नहीं है। तो वही बोला साइंस किसी भी चीज का सिस्टमैटिक नॉलेज होगा जो कि ऑब्जर्वेशन पे आधारित, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, देखना, कि हमने देखा कि पेड़ से सेव गिरा है, देखा क्या तुमने, न्यूटन ने देखा, तुमने भी देखा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज, तीन चीजों पे साइंस बनी हुई है। ऑब्जर्व हमने क्या देखा, फिर हम उसको प्रयोग में जाके किए, उसको करके देखे, हाँ ऐसा ऐसा सही में हो रहा है। एक बार सेव गिर गया, हो सकता है गलती से गिर गया हो एक बार सेव, न्यूटन जाके 10 बार गिरा के देखा होगा, पेन गिराया, कुर्सी गिराया, बेंच गिराया, सब साला नीचे ही गिर रहा है, पक्का ये साइंस है, ठीक है। और लॉ, कुछ ब्रह्मांड के जो लॉ होते हैं जो लगते हैं हर जगह, वो उस पर आधारित हो, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं साइंस के तीन ब्रांच है, सब बच्चा बच्चा जानता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होगा फिजिक्स में हम लोग अपने आसपास की चीजों के बारे में ही पढ़ते हैं, गाड़ी, बस, ट्रेन, ट्रक, बारिश, जो भी, पंखा चल रहा है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स में आता है। मतलब तुम ध्यान दो अपने अपने, जहां तुम बैठे उसके चारों तरफ ऐसे गर्दन घुमा, टक 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 टक, आप जो दिख रहे हो सब फिजिक्स के अंदर पढ़ते होगे, लाइट फिजिक्स, फैन फिजिक्स, एयर कंडीशनर फिजिक्स, भाई सब भी सब फिजिक्स आपको दिखेगा। मतलब कोई भी चीज जो नेचर में है और नेचर में होने वाली घटना, घटना बादल बनना, बारिश होना, ये सब घटनाएं फिजिक्स में पढ़ी जाती है, ठीक है। ये कैसे बनाया गया, तो इट इज द लॉज, याद रखना फिजिक्स एक लॉ है, लॉ बना दिए गए, लूज बना दिए गए, सबको पता है न्यूटन का लॉ, आइंस्टीन का लॉ, बहुत सारे लॉ फिजिक्स में, एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स है उसमें, रूल बना है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल तुमने सुना होगा, ठीक है, जनरेटर का प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल, सुने हो कि नहीं, दैट गवर्न द यूनिवर्स, जो कि इस पूरे यूनिवर्स को पर पालन करा रहा है, उस पर शासन कर रहा है, उस पर राज कर रहा है। जैसे आइंस्टीन ने लॉ बना दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई सब जगह पालन कर रहा है, हर चीज एनर्जी कंजर्वेशन को, पंखा कैसे घूम रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट कैसे जल रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा लाइट एनर्जी में, तो पूरे ब्रह्मांड में लॉ लग रहा। तो पूरे ब्रह्मांड में चलने वाले लॉ और प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है फिजिक्स, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो तो अगला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड का साइंटिफिक मेथड। देखो बहुत सारे टीचर्स बस इसको लिखा देते हैं, बच्चों को समझता तो कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक मेथड मतलब क्या है, थोड़ा सा आप लोग कहानी समझते हैं। देखो मान लो साइंस में तुम्हारे न्यूटन के लॉ आए, तो क्या लगता है कल को तुम भी कुछ लिख दोगे तो तुरंत साइंस में छप जाएगा बुक में? नहीं, तुमको पता है कि कोई भी बात को छापना इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ेगी उसको, तुम गलत हो गए तो कल को बेइज्जती हो जाएगी नहीं साइंस का। तो इस वजह से आपके बातों को बुक में छापने से पहले बहुत सारी चीजों के वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। यही चीज यहां पढ़ाया जा रहा है कि साइंस के अंदर कोई भी चीज जब शामिल होता है, कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ, कोई भी प्रिंसिपल, कुछ भी जब डाला जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान दी जाती है उसमें, साइंटिफिक मेथड, समझ में आया, साइंस की, साइंस का तरीका क्या है, मेथड यानी तरीका, साइंस किसी चीज को कैसे तरीके से साइंस में डालती है। तो क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेनन। साइंटिफिक मेथड क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक समझता है ना, बराबर लाइन से सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक कोशिश है, अटेम्प्ट यानी कोशिश टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेनन, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको समझने का एक कोशिश है साइंटिफिक मेथड, कि भाई क्यों हो रही, कैसे हो रही, इन मच डिटेल्ड, अच्छे डिटेल में समझना हमको,
एंड डेप्थ गहराई में एज पॉसिबल जितना संभव है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में समझना है पूरा डिटेल में समझेंगे भाई, स्टार क्या है, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी किसका सेंटर की तरह घूमता है। तो एंड यूज द नॉलेज, और उस नॉलेज का हम इस्तेमाल करेंगे सो गेन टू प्रिडिक्ट एंड मॉडिफाई द एंड कंट्रोल फेनोमेनन। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बच्चों आपको पता है कि आपको बारिश आने से पहले आजकल अनुमान लगा दिया जाता है कल बारिश आएगी, देखो पेपर में आता है तूफान आने वाला है, अभी चल रहा था एक तूफान तो आने वाला है, यहां से उत्पन्न हुई, यहां गुजरेगी, सावधान रहे। तो ये सब कैसे पता चला उन लोगों को? क्या भगवान आके बताए? क्या बहुत बड़ा ऋषि महर्षि है जो भविष्य देख लिया? बहुत सारे लोग क्या सोचते हो कैसे उनको पता चलता होगा यार? पुराने जमाने में बाबा लोग आते हाथ देख के बताते शादी कब होगा, बच्चा कब पैदा होगा, बकवास होता है वो। तो क्या ऐसा ही कोई बाबा होगा जो बताता होगा कल बारिश होगी, आज मौसम खराब रहेगा, वहां पे तूफान आएगा, यहाँ भूकंप आ सकता है, वहां वो आ सकता है? नहीं भाई, ये सब साइंस का कमाल है, साइंस को समझा गया है। तो साइंस को समझ करके पूरी कैलकुलेशन किया जाता है साइंस के हिसाब से कि कितने स्पीड से एयर चल रही है तो कितने देर में बंगाल से बिहार में पहुंच जाएगी। बराबर है, स्पीड टाइम है। बंगाल से बिहार की दूरी 2000 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आ रहा है तो कितने देर में बिहार पहुंच जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिहार में अनाउंस कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेटेलाइट हमने ऊपर छोड़ रखा है, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में तूफान उत्पन्न हुआ सेटेलाइट ने देख लिया, सेटेलाइट ने देख लिया, वहां से बंगाल की दूरी सेटेलाइट से निकाल लिया हमने, बंगाल में अनाउंसमेंट करा दिया न्यूज में, भाई तूफान आ रहा है सावधान हो जाओ। तो देखो ये सब फायदा है। तो क्या बोल रहा है, हम किसी भी चीज को अच्छे से समझेंगे, प्रकृति में जो चीजें हो रही है डिटेल में समझेंगे, जितना हो सकता है अच्छे से समझेंगे, और समझ के सो नहीं जाएंगे चादर ओढ़ के। जैसे आप पढ़े, आज पढ़ रहे हो आप, कल को आप पढ़ के इंजीनियर बनोगे तो क्या आप इंजीनियर बन के घर में आके खाना रोटी सब्जी बनाने लगोगे? तो वेस्ट कर दिया तुमने साइंस के नॉलेज को। अगर रोटी सब्जी बनाने लगे तो क्या करना है आपको? उस नॉलेज को इस्तेमाल करना है, कुछ चीजें बनानी है। तो वही बोल रहा, क्या बोल रहा है, यूज द नॉलेज गेन्ड, जो आपने नॉलेज गेन किया उसका इस्तेमाल करो। क्या करने में? टू प्रिडिक्ट, किसी चीज के अनुमान लगाओ, किसी चीज का अनुमान लगाओ। अच्छा ऐसा हो रहा क्या, तो इससे ये हो सकती है। ऐसे न्यूटन ने देखा पहली बार सेब गिर रहा तो उन्होंने अनुमान लगाया होगा, तब तो आज तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स। नए अनुमान लगाते तो पढ़ते क्या? उन्होंने अनुमान लगाया होगा ये नीचे गिरा, क्यों गिरा, तो शायद इसी वजह से, अब देखो वो तो गए नहीं थे अंतरिक्ष में, इसी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ से वो घूमती है, मून घूमती है। अनुमान लगाया उन्होंने, प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी किया। मॉडिफाई, आप सुधार करो, सुधार करो, जैसे आप जो सोच रहे हो उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हो तो उसको सुधार लो। एंड कंट्रोल द फेनोमेनन, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके प्रकृति में जो भी घटना हो रही है उसमें आप उसका भविष्यवाणी कर सकते हो साइंस के नॉलेज की मदद से, उसको सुधार कर सकते हो। हमने देखा रोड में एक्सीडेंट हो रही थी, हमने ब्रेकर बना दिया, एक्सीडेंट कम हो, हमने सुधारा ना अपने चीजों को साइंस की मदद से। एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हमको पता चल गया कि ये चीज क्यों हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे। जैसे एप्पल क्यों गिर रहा है, तो ग्रेविटेशन की वजह से। अगर हम पृथ्वी की ग्रेविटेशन खत्म कर दे तो एप्पल नीचे नहीं गिरेगा। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस भी बनाया जाता है, तुमको पता होगा बहुत सारी जगहों पर ग्रेविटी फ्री हो जाता है, आप जाओगे रमन साइंस वाइंस में तो आप वहां उड़ जाओगे। तो कैसे बना लिया? उनको पता था तब ना कि ग्रेविटी से ही नीचे हम गिर रहे हैं, तो ग्रेविटी हमको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमको पता चल गया कि करंट कैसे बनता है तो हम करंट के वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। पता ही नहीं रहता कि कैसे बना है तो कैसे कंट्रोल कर दे। तो समझ में आया क्या? ये आ गया होगा। अब बोल रहा कोई भी चीज साइंस, साइंटिफिक मेथड बनते कैसे हैं, कोई भी चीज साइंस में आता कैसे कैसे है, देखेंगे इसको समझेंगे। सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल लेना। अब जब इसका एग्जाम्पल है कि एक न्यूटन ने, आपने देखा कि एप्पल इज फॉलिंग डाउन, तो एप्पल इज फॉलिंग डाउन एक ऑब्जर्वेशन है, एक चीज हमने देख लिया। तो रोड से जा रहे थे तुमने देखा, अरे यार ये चेयर अपने आप क्यों हिल रही है, भूत है, एक बच्चे ने बोल के निकल लिया, मारा पगला को साइंस नहीं पता है। नहीं, जो नहीं साइंस पढ़ा रहे हो क्या, चेयर क्यों हिल रहा है, भूत है। इन्हें सोचेगा हवा से हिल रहा होगा, ग्रेविटेशन से हिल रहा होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स से हिल रहा होगा, बोल के भूत बोल के निकलने का तो वो सिस्टमैटिक नहीं हुआ। आप सिस्टमैटिकली सही ढंग से ऑब्जर्व करो, ढंग से कि हाँ भाई हवा से तो नहीं हिल रहा। नहीं तो जैसे एप्पल गिरा था, एप्पल उसके पहले भी गिरता होगा हजारों बार, बट किसी ने देखा नहीं, से देखा नहीं, सोचा भी नहीं, आया गिर रहा है क्या, गिरने दो, गिरता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। बट एक व्यक्ति ने देखा और आज पूरी फिजिक्स बना दिया उसने। तो एप्पल गिर रहा है देखा, उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब क्या करेगा वो,
अब वो लैब में जाएगा, लैब में जाके और 10-20 चीजों को गिरा गिरा के देखेगा भाई ये सही में है कि नहीं, कि खाली सेवे गिरता है बाकी कुछ गिरता नहीं है। तो और 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को किया भाई, एक बार हम देख लिया कंफर्म नहीं हो सकते हैं पक्का, पता नहीं कभी कभी होता हो, गलती से हो गया हो, आश्चर्य अचानक हो गया हो, या किसी दूसरे कारण की वजह से हुआ हो। जैसे मान लो कोई बच्चा एक बार पेपर में फेल कर गया, तो हम उसको फेलियर घोषित नहीं, बार बार फेल होगा तब फेलियर हो। तो वही क्या हो गया, देखो लैब में जाएंगे हम और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लैब में आप जा करके प्रोसेस को रिपीट करो, रिपीटेड करो आप चीजों को, बार बार करो बार बार करो। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, सुना ध्यान से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कारण पता लगाओ, कारण पता लगाओ क्यों गिरा। तो भाई कारण हमने ध्यान सुनो, उन्होंने सोचा क्यों गिरा, तो उन्होंने बात किया होगा फोर्स की, ओ भाई फोर्स के बिना तो कुछ चीज चलता नहीं है, तो फोर्स लगा होगा। उसके बाद वो फोर्स किस किस चीज पे प्रभावित करता होगा, छोटा चीज गिरा के देखे होंगे, बड़ा गिरा के देखे होंगे, ये सब देखे होंगे ना, तो इनको पता चला होगा कि फोर्स का रिश्ता, फोर्स डिपेंड, देखो क्वांटिटेटिव मतलब कितना और क्वालिटी मतलब किस पर, मतलब ये तो हमको पता चल गया फोर्स की वजह से गिर रहा, बट वो फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा और कितना डिपेंड कर रहा है ये सोचना पड़ेगा। ओ जैसे उन्होंने फोर्स का फॉर्मूला बनाया, क्या बना दिया, F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उन्होंने क्या किया, 1 किलो के मास को गिराया, 2 किलो गिराया, 50 किलो गिराया, 100 किलो का, तो इन्होंने देखा कि फोर्स ऐसा था ना, न्यूटन का लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, 9 पे पढ़े होंगे, दोनों के मास पर निर्भर कर रहा, कारण को पता चल गया, कारण तो पहले पता चल गया फोर्स, कारण क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा, देखो कितना डिपेंड कर रहा और किस पर डिपेंड कर रहा, तो मास के पावर 1/1 डिपेंड कर रहा और डिस्टेंस का पावर 1/r² डिपेंड कर रहा, पता चल गया कितना ये पावर 2 डिपेंड कर रहा, दूरी अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना घटेगा, यानी कितना पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, भाई तुमको पता होगा कि अगर बोलते हैं फिजिक्स अगर राजा है तो मैथ्स उसकी रानी है, याद रखना फिजिक्स किंग है तो मैथ्स क्या है, क्वीन है, बिना किंग और क्वीन के वो साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। तो आप देखो हर चीज का फॉर्मूला है, रूल है, तो हर चीज का जितने भी लॉ बने सबके फॉर्मूले, तो उसको मैथ से आपको वेरीफाई करना होगा, आप ऐसे नहीं कि ऐसे मोरल बक दिया आके कि हाँ ऐसा हो रहा मान लेंगे। तो मैथमेटिकल इन्होंने मॉडलिंग किया, देखो आप फॉर्मूला बना दिया उन्होंने एफ का जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ऐसा बना दिया कि नहीं बना दिया फॉर्मूला, हम एक एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं सबने। अब प्रिडिक्शन अनुमान, अब अनुमान किया इन्होंने कि भाई ये चीज तो हर जगह लगता होगा, तो उन्होंने ये बात किया प्रिडिक्शन कि यूनिवर्स में लग रहा है ये, उन्होंने बात किया कि सन और प्लैनेट के बीच में लग रहा है ये, उन्होंने बात किया कि प्लैनेट और अर्थ के बीच में ये लग रहा है, अनुमाने है ना, गए थे क्या न्यूटन उस समय प्लेन बना था अंतरिक्ष में जाने के लिए, लेकिन कैसे बता दिया उन्होंने भाई कि पृथ्वी चारों तरफ इसी फोर्स से घूम रही है, तो ये प्रिडिक्शन, हम चीजों को समझ लिए कि देखो कब कब लगता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो वो दो भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा उसके बाद वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, ध्यान देना, वेरिफिकेशन मतलब हम उसको साबित करेंगे, साबित करना, फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, ये आता है बच्चों लिमिटेशन ऑफ दैट थ्योरी, जैसे ये थ्योरी कहां नहीं लगेगा। देखो एक बात तुमको समझता होगा कि मान लो हमको एक लॉ बना दी तो क्या वो सब जगह लग जाता है, नहीं, कुछ कुछ जगह नहीं लगता है, तो क्या हम बोलते हैं अरे ये गलत गलत निकालो साइंस से, ये गलत हो गया, ऐसा कैसे भाई साइंस से कैसे निकाल दे, मेरी बात है इतनी चीजों से गुजरी है हमारे, बात जो हमने जो बोला है उसको हम ऑब्जर्व किए पहले, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स भी बार बार करके दिखाए, फिर हम ये पता किए कि किस वजह से हो रहा है और वो किस पे निर्भर करता है और कितना निर्भर करता है, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला भी बना दिया, उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि देखो ब्रह्मांड में और कहां कहां ये लग रहा है, तब एक जगह फेल हो गया तो तुम बोलोगे नहीं निकालो निकालो थ्योरी गलत, पगला वो लिमिटेशन है। जैसे आप पढ़ोगे, ध्यान सुनो, इधर ध्यान दो रे, आपने पढ़ा होगा कि 2+ चार्ज में रिपल्सन होता है, पढ़े हो क्या बचपन में, हाँ बोलो, पढ़े कि नहीं पढ़े, हाँ बोलो। अब आप एक जगह ऐसा सोचो जहां पर ये गलत है,
एक जगह आप ऐसा बताओ जहां पे ये गलत है, याद करो आप जानते हो, दिमाग पे चोट डालो, जहां पे ये गलत है प्लस प्लस अट्रैक्शन हो रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज चल रहा है। प्लस प्लस हम लोग जानते हैं रिपल्सन, जानते हो कि नहीं जानते हो, किसी महान साइंटिस्ट ने खोज किया भाई प्लस प्लस रिपल्सन करेगा। अच्छा ठीक है भाई, सब जगह लग भी रहा था, बड़ा सही हुआ उसके बाद, लेकिन एक जगह देखा कि यार यार ये तो प्लस प्लस अट्रैक्शन हो रहा है तो ये इसका लिमिटेशन है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी, उस थ्योरी का गलती हमने खोजा है। बता सकते हो तुम, अभी तक नहीं बताया, हम बता दे रहे हैं। न्यूक्लियस में एटम, जानते हो एटम, जानते होंगे सभी लोग बचपन से पढ़े हैं, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है कि नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं तो दो प्लस चार्ज है और चिपक के हैं तो अट्रैक्शन है तभी ना, तो भाग गया था कि नहीं, तो प्लस प्लस वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, ये जो प्लस माइनस का जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है जिसको तुम कूलंबिक फोर्स बोलते हो, वो 10^-15 से कम दूरी पर नहीं लगता है। फिर से अगर दो पार्टिकल के बीच की दूरी 10^-15 या उससे कम हो गया तो प्लस प्लस अट्रैक्शन और प्लस माइनस रिपल्सन वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, यानी कूलंबिक फोर्स वहां पे नहीं लगता है, वो लिमिटेशन हो गया उस थ्योरी का। ऐसे तुम हजारों थ्योरी पढ़ोगे जिसके लिमिटेशन होते हैं, समझ में आया, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्व रहता है वो भी गलत होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है वो भी गलत होता है, तो कभी कभी मास कंजर्व नहीं भी रहता है। आप वो पढ़े होगा न्यूक्लियर फीजन फ्यूजन, तो उसमें जब एटम और न्यूक्लाई टूटता है तो वहां पे मास कंजर्व नहीं रहता, हम जितना रिएक्टेंट डालेंगे उतना प्रोडक्ट का मास नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ओ तो वहां पे गलत हो गया लॉ। तो हर लॉ के अपने अपने बच्चों फॉल्सिफिकेशन होता है, ठीक है, हर थ्योरी के फॉल्सिफिकेशन होते हैं, अपने लिमिटेशंस होते हैं, भाई ये यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, ध्यान रखना यहां लगाना मत, दे दे चमट खाओगे, हर जगह लगा दिए तुमने, याद है तुमको रदरफोर्ड का मॉडल गलत हो गया था क्योंकि उस पर यही वाला लॉ फिट कर दिया था सब बेवकूफों ने, याद करो हम तुमको बताते हैं। चलो आप तो 9th पास हो, अब रदरफोर्ड को अगली बार से गाली मत देना। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया एटम का और ये पढ़ाया गया कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या करता है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है एटम में, पढ़े हो ना। फिर एक साइंटिस्ट आया था मैक्सवेल, उसने क्या बोला, अरे यार इलेक्ट्रॉन जब चलता होगा तो एनर्जी कम करता होगा, कम करते करते अंत में आके न्यूक्लियर, चमाट मारो उसको, क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया कि ये जो थ्योरी है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है, तुमने एटम में लगा दिया, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है कि कोई भी चीज चलेगा तो उसकी एनर्जी निकलेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, पास में चल जाएगा, ये जब इंसान दौड़ेगा ग्राउंड में तो ऐसा करेगा, बट इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, इलेक्ट्रॉन पूरी जिंदगी घूमते रहता है बट कभी भी न्यूक्लियस के पास नहीं जाता है, तो ये हुआ कि नहीं लिमिटेशन, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। चलिए तो आपने नोट कर लिया इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अगला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, आ गए क्या सभी लोग, समझा जाए, बताना तो चाहिए था, क्या आदमी है। देखो तो अगला टॉपिक है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, मतलब फिजिक्स में किसी भी चीज को समझना अगर आपको तो दो तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका होता है यूनिफिकेशन, अच्छा यूनिक वर्ड होता है, एक इंग्लिश का वर्ड है यूनिक, यूनिक या यूनि, यूनि मतलब क्या होता है, एक, सुने होगे यूनिमोलिकुलर, यूनि वर्ड जरूर सुने होंगे, एक होता है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो टू एक्सप्लेन द मेनी फिजिकल फेनोमेनन, बहुत सारे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना है इन द टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड फ्यू लॉ, मतलब एक लॉ या थोड़ा सा लॉ बना लो और उसे सब एक्सप्लेन हो जाए, ये चलता है फिजिक्स में। देखो जैसे एग्जांपल समझो को पक्का समझा, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया न्यूटन ने, अब इस अकेला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ऑल सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड समझता है ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स यूनिवर्सल, और टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ वाला, अर्थ पर, मैकेनिक्स मतलब मोशन, मैकेनिक्स यानी मोशन, मोशन मोशन, पृथ्वी पर जितने मोशन हो रहे हैं, जैसे पेन गिरा टक मोशन, एप्पल गिरा, ये जितने मोशन हो रहे हैं पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितने मोशन हो रहे हैं, वो मात्र और मात्र एक लॉ से पूरा एक्सप्लेन हो सकता है, और वो लॉ कौन सा है,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, समझा यूनिफिकेशन का मतलब बहुत सारी चीजों को अगर हम एक एक को लॉ पे या एक दो को लॉ पे मदद से कर दे एक्सप्लेन, तो यूनिफिकेशन बोलते हैं उसको। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ ही रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट यानी चुंबक। तो जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं आपके आसपास हो रही है, कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा है, तो जितनी भी चीजें हो रही है, करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो सारा का सारा एक लॉ से आधारित है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक लॉ है, आप पढ़ेंगे फिजिक्स में एक लॉ। तो आप देखोगे एक वो एक लॉ पे पूरा का पूरा पूरा एक यूनिट चैप्टर बन जाएगा। जैसे आप जाओगे चार इलेवेंथ में तो न्यूटन का लॉ पढ़ोगे, तो न्यूटन का जो लॉ है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरी फिजिक्स बोलते हैं उस पे। तो ये हो गया यूनिफिकेशन। अब आते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने का मतलब कम करना, तोड़ना। इसमें बच्चों तोड़ने का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बड़े चीज को आपको समझना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, माथा पागल हो रहा है। जैसे हमको पूरी कार के बारे में समझना है, तो क्या तुम पूरा कार एक साथ पढ़ लोगे? नहीं, आपको कार के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जैसे इंजन को समझना पड़ेगा अलग, चक्के के बारे में अलग, गियर बॉक्स के बारे में अलग समझना होगा, राइट? समझना होगा ना जी, एक साथ तो पूरा कार नहीं पढ़ सकते अपन। जैसे कपड़ा कैसे बनता है, तो आप ऐसा आप सोचोगे मेरे को पूरे पढ़ा दो कपड़ा कैसे बनता है सीधा। अरे पगला, पहले तेरे को ये समझना होगा कि धागा कैसे बनता है, तब कपड़ा बनाना सीख जाएगा, पहले कपड़े बनाना सीख लोगे। वही बोल रहा है, टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कोई भी चीज जो बहुत लार्ज है कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए हमको क्या करना है? द स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट और पार्टिकल्स, मतलब वो जिस चीज से मिलके बना उसके बारे में पढ़ो। बराबर है? जैसे एग्जांपल जनरेटर को हमको समझना है, तो हम जनरेटर कैसे समझेंगे? जनरेटर के अंदर क्या होता है? कॉइल होता है, मैग्नेट होता है, स्लिप रिंग होता है, कार्बन ब्रश होता है, इसके बारे में समझ लो, जनरेटर समझ जाएगा। समझा कि नहीं? एग्जांपल हाँ ना बोलो। पूरा जनरेटर, जैसे मोबाइल हमको समझना है, तो क्या पूरा मोबाइल समझ लोगे? तुमको एक एक चीज समझना पड़ेगा, आईसी, चिप, इसके कैमरे, सबका फंक्शन अलग अलग, तब पूरे मोबाइल की कहानी समझ में आएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे फिजिक्स में कोई भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, एक यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए तो अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ब्रांचेस इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचेस आपको मिलेंगे पढ़ने को, ध्यान से समझ लो इसको, ये आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, ये आपके बुक के नाम होंगे। देखिए पहला आता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फिजिक्स, ठीक है? बड़े ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फिजिक्स। अभी अपने कॉपी में ऐसे पेंसिल से लिख लो, बड़े ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फिजिक्स बच्चों। ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फिजिक्स को हम लोग मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो MSCRO, याद रखो, बहुत छोटा सा अंतर है, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा, याद रहेगा। आप देखो मेमोरी कार्ड पे लिखा रहता है माइक्रो SD, छोटा वाला, बड़े वाले पे मैक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी बड़े ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स जो लगता है, इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्लासिक मतलब जो पुराने जमाने से चल रहा है, जैसे क्लासिकल सॉन्ग होता है, पुराने जमाने के गाने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल सॉन्ग। तो क्लासिकल फिजिक्स, पुराने सबसे पहले फिजिक्स में यही खोजा गया है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्लासिक, कोई बोला आपसे क्लासिकल फिजिक्स क्या, तो आप समझना इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? ये सब नाम आपको सुनने को मिलेंगे पढ़ाते वक्त। पहला जो बुक का नाम होता है मैकेनिक्स, आप देखोगे चार पांच बुक मिलते हैं, देखो पांच बुक मिलते हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स और चार ये बुक के नाम है। आप देखोगे बुक्स आते हैं जो DC पांडे, सिंगे, झोगड़ा, ऐसे आते हैं। क्यों आते हैं? देखो इसमें क्या क्या दिया होगा आपको बता दे रहा। पहला आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वर्ड मोशन से बना है, एम फॉर मोशन। कोई भी चीज जो चल रही है, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट, छोटा नहीं, इलेक्ट्रॉन पे मत लगा देना तो चमक खाओगे। मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉन, क्वांटम पे, क्योंकि अलग ब्रांच है, अभी थोड़ी देर पहले हम वो समझा रहे थे। तो मैकेनिक्स जो है मोशन वर्ड से बना है, तो इसमें क्या क्या पढ़ाई जाती है? लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन भी इसी के अंदर आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और ऑसिलेशन। इतने आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और भी एक दो चैप्टर छोटे छोटे मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है? आप बात करते हैं थर्मोडाइनेमिक्स। देखो थर्मो मतलब होता है हीट, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा हीट टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, बहुत सारे एनर्जी के रूप अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हीट इंजन, हीट इंजन, इंजन कैसे काम करता है। उसको आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 12वीं में आएगा, तो ये दोनों 12th में आएगा, ये दोनों 11th में, तो ये आपका 11th का सिलेबस है और ये 12th का।
तो पूरी 11th ये इतने में ही खत्म हो जाएगी, दो ब्रांच पढ़ते पढ़ते आपके फिजिक्स की, मैकेनिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स, पूरा फिजिक्स खत्म 11th। और ये दो तीन बच जाएगा 12th के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर अल्टरनेटिंग करंट, एसी जानते हो अल्टरनेटिंग करंट, फिर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप 10th पढ़ोगे, ऐसे क्वाइल हिलाओ करंट बन जाता है। ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी चीजें हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वाइट, तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स यानी लाइट से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसमें दो ब्रांच पढ़ाई जाती है, दो चैप्टर, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। एक में लाइट को रे माना गया सीधे सीधे चलता हुआ, और एक में लाइट को वेव मान लिया जाए फैल जाता है ऐसे। अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब छोटे पार्टिकल्स पे लगता है, छोटे पार्टिकल्स पे लगने वाला फिजिक्स। छोटे पार्टिकल पे लगने वाला फिजिक्स है बच्चों, इसको हम लोग क्वांटम, अगली बार आज के बाद तुम इंग्लिश जब बोलोगे किसी से तो ये वर्ड यूज करना छोटे चीज को बताने के लिए। जैसे किसी को बताना है छोटा, तो छोटा वर्ड के लिए क्वांटम वर्ड यूज करना, ठीक है? बहुत स्टैंडर्ड वर्ड फील है ये, होता है ये क्वांटम फिजिक्स, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मॉड्यूलर, मतलब क्वांटम वर्ड एक छोटे वर्ड को दिखाता है, साइंस से आया हुआ वर्ड है। तो क्वांटम फिजिक्स यानी छोटे चीजों पर लगने वाली फिजिक्स है ये, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न आधुनिक, आधुनिक क्यों? क्योंकि पहले ये खोजा गया, बाद में ये आया, तो नया नया है, रीसेंट है ये। इसमें बच्चों एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम के बारे में पढ़ना है, फिर न्यूक्लियस के अंदर की कहानी पढ़नी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, गिट्स, ये सब। फिर सेमी कंडक्टर आया, सेमी कंडक्टर जानते होंगे आप, सिलिकॉन चिप जो बनता है आपका मोबाइल में, जो चिप लगता है आपका, वो कैसे बना, किस चीज से बना, सिलिकॉन से बना, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये आपके स्कोप्स ऑफ फिजिक्स हो गए, स्कोप मतलब ब्रांचेस। इसके बाद आता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है, एक्साइटमेंट क्या है, उसको पढ़ के क्या एक्साइटमेंट मिलेगी, तो आप ये नोट कर ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, भाई फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या एक्साइटमेंट होता है, भाई खुशी क्या मिलती है। तो सबसे पहला फिजिक्स का फायदा है कि डेली लाइफ फेनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जैसे आप नहाने गए और आप पैर फिसल के गिर गया, तो आप क्या बताओगे, फ्रिक्शन जीरो, एक्सप्लेन किया हमने, बाथरूम में टाइल्स लगा उसका फ्रिक्शन खत्म हो गया, फिजिक्स आ गया। मतलब आपने आसपास की जो चीजें होती है, आप देखना जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते रहते हैं वो आप भी करते होगे बहुत बार, कोई भी चीज हो रही तुम बोलते हो अरे देखो देखो हमको समझ रहा, सर ने साइंस में पढ़ाया था ऐसा, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो आप दिन भर में जो भी चीजें देखते हो उसमें आप फिजिक्स लगाते हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, अगर आप साइंस पढ़ोगे तभी ना लगाओगे, तो भाई इसलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। दूसरा, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, कुछ प्रयोग, जैसे आपने मोटर पढ़ा तो आप मोटर से कार बना लिए, मॉडल बनाते हो ना साइंस के, सब लोग साइंस का मॉडल कैसे बनाते हो, आप एक्सपेरिमेंट किए हो, कैसे किए, पढ़े तब ना किए, नहीं पढ़ते तो कर लेते क्या तुम। उसके बाद एप्लीकेशन, भाई साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स जब पढ़ते हो तो उसका इस्तेमाल हम लोग को पढ़ाया जाता है, देखो यहाँ पर यूज हो रहा, समझ में आ रहा। जैसे आप लाइट पढ़े तो आपको मिराज पढ़ाया गया कि देखो रोड पे पानी जैसा चमकता है धूप पड़ने पे, क्यों चमकता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, देखो कांच का दरार चमकता है, देखो पानी का डंडी, पानी में डंडी डाले तो टेढ़ा दिखता है, ये सब लाइट के रिफ्लेक्शन से होता है। तो आप पढ़े एप्लीकेशन, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों बनता है, फिर आप रेनबो क्यों बनता है, सब पढ़े हो ना, तो कैसे पढ़े हो, एप्लीकेशन पढ़ाया गया आपको तो पढ़े हो, आपको अच्छा एक्साइटमेंट आता, अरे वाह मस्त है यार। फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये हम आपको बता रहे थे, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो कि देखो अब बादल बना है, गर्मी पड़ी है तो पानी वेपराइज होगी, बादल बनेगी, बादल बनेगी तो बारिश होगी, इसलिए गर्मी के बाद बरसात आता है, सही है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन। अब आते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आप सुनते होगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन वर्ड है यार आजकल, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, कहां से आया है ये सब टेक्नोलॉजी, कहां से आया, तो साइंस से ही आया। देखो यहां पर न्यू फिजिक्स गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी, याद रखो जितना फिजिक्स तुम पढ़ोगे उतना टेक्नोलॉजी बनेगा। जैसे कुछ एग्जांपल, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं बनता तो क्या स्टीम इंजन बनता, इंजन, इंजन जिसने बनाया हो कैसे बनाया होगा, कुछ पढ़ा होगा फिर बनाया ना। कोई भी चीज जो आज बनता है, जैसे आज इलेक्ट्रिक कार बन रहा है तो कैसे बना, कैसे बना इलेक्ट्रिक कार, अगर इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं होती तो बनता क्या इलेक्ट्रिक कार, नहीं। तो वही चीज, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खोज किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बिना मीडियम का चल सकता है, तो उसके बाद रेडियो, टीवी, मोबाइल आपकी जो चलती है वो इन्हीं वेव से चलती है, और मान लो वेव ही खोजा नहीं जाता फिजिक्स में तो चलता क्या मोबाइल, रेडियो, टीवी। डिजिटल लॉजिक आपका खोजा गया, लॉजिक गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, तो कंप्यूटर बना। इस तरह से आप एनसीईआरटी में देखो एक पूरा बॉक्स बनाया हुआ, पढ़ना जरूर, बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट। ये बॉक्स आपको दिखेगा, इस बॉक्स में बच्चों आप देख सकते हो, बच्चों इस बॉक्स में आप देख सकते हो, ध्यान दें, ये बॉक्स बना एनसीईआरटी में,
इस बॉक्स में आप देखोगे क्या क्या चीजों से क्या क्या चीज की खोज हुई है। देखो ये जो हमने लिखा है फिजिक्स लिखे हैं और ये जो लिखे हैं टेक्नोलॉजी लिखे हैं, मतलब फिजिक्स कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट किस टेक्नोलॉजी को पैदा किया। तो आप जाके एक बार घर से रीडिंग करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए फटाक से। तेरे को दवाई खाने की जरूरत है मेरे को। चलो बच्चों तो आगे हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आपको पता है कितने प्रकार के फोर्स हैं आपके ब्रह्मांड में? नहीं, आप बचपन से फोर्स तो बहुत सुने होंगे। फोर्स लग रहा है, टेबल को खींच रहे हैं, चेयर को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो फोर्स लग रहा है। तो आपके ब्रह्मांड में प्रकृति में कितने फोर्स है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हम जो लगा रहे वो नहीं, ठीक है? तो यहां पर कुछ नाम लिखा हम आपके, इनके इनके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे बट हमने लिखा शॉर्ट में बिकॉज इतना काफी आपके लिए। तो सबसे पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है इसका खोज न्यूटन ने किया था, राइट? और उन्होंने क्या बोला था कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे, इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सबको याद होगा ये फॉर्मूला है, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में मास है उनमें ये फोर्स लगता है। पृथ्वी भी ये फोर्स लगा रही है, इसीलिए पृथ्वी पर कोई चीज छोड़ते हो तो नीचे की तरफ गिरती है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी किसी चीज को जमीन पर खींचती है, जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हो। इस फोर्स की खास बात क्या है कि ये इनफाइनाइट दूरी पर भी ऑब्जेक्ट है तो लग जाएगा। जैसे सोचो सन और अर्थ कितना दूर है, ओ माय गॉड, बट वो उनके बीच में फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन, ठीक है? सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये पॉइंट में आप डाल सकते हो। ऐसे हम ऑर्डर में ही लिखे हैं, ऐसे हमने बच्चों ऑर्डर में ही लिखा है, स्ट्रेंथ के नीचे आने पर बढ़ रहा है। और आप देखोगे तो ये देखो ताकत है, इसको वन मान लिए, सबसे ताकतवर को क्या मान लिए? वन। तो ये इससे 100 गुना कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इससे ये 10^-13। इन दोनों में कोई पूछा तो ये पावर को माइनस कर लेना इस, और इससे सबको इससे तुलना किया, इससे ये 10^-39 कम है। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी में बताओ कितना डिफरेंस है, तो 39 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 37 टाइम्स, ठीक है? ये कम 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 लिखा। अगर कोई पूछे ज्यादा कितना है, जैसे सवाल आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से कितना ज्यादा है, तो प्लस में बताना भाई, ज्यादा में प्लस बताया जाता है और माइनस का मतलब कम। माइनस पावर क्या बताता है? कम वैल्यू। तो याद रखो हम आपको स्ट्रेंथ की बात कर देते हैं। तो सबसे ताकतवर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ताकतवर सबका बाप, ठीक है? क्योंकि वन है और ये सब लोग निगेटिव है, ठीक है? और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जो चार्ज के बीच में लगता है, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़े हो ना, वो वाला फोर्स। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और बच्चों सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशन। सबसे कमजोर, सबसे अति गरीब दुखरा पिछड़ा। देखो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन से कितना मजबूत है, कोई पूछ दिया तो आपको ऑर्डर है टेबल में, ग्रेविटेशन से कितना मजबूत है, तो 39 में से 2 गया, 10^37 टाइम्स प्लस बोलेंगे क्योंकि हम मजबूत की बात किए थे। अब कोई बोले कि ग्रेविटेशन से न्यूक्लियर कितना मजबूत है, तो 10^+39। समझा? समझ में आ गया तो हाँ बोलो, ये वैल्यू क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा अब हम तुमसे पूछें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर में कौन मजबूत है, तुम बोलोगे न्यूक्लियर। कितना बता दो, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर में कितना मजबूत है। 10^+2, 100 गुना, यानी जो चार्ज के बीच में फोर्स है उसे 100 गुना मजबूत है न्यूक्लियस के अंदर फोर्स, 100 गुना, यानी 1 न्यूटन लग रहा है तो वहां 100 न्यूटन लगेगा। चलो आई होप हमने आपको ये पावर वाला का लॉजिक पूरा क्लियर कर दिया, राइट? ओके वेरी गुड। अब आते हैं ये रेंज लिखा हुआ है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रेंज क्या है, कितने दूर तक रहता है? इनफाइनाइट, यानी हमेशा लगेगा ये फोर्स। अगला कहां लगता है? ऑपरेट अमॉन्ग, किसके बीच में लगता है? ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। नेचर क्या है? स्वभाव क्या है इस फोर्स का? खींचेगा, धकेलेगा, अट्रैक्टिव, ऑलवेज, हमेशा अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करता है, खींचता है, कभी रिपेल नहीं करता है।
अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस बराबर है, इससे यह कमजोर है, वेरी शॉर्ट रेंज पे लगता है, दम कम दूरी। ओ अगर उनके बीच की दूरी 10 का पावर -16 फर्मी, देखो फर्मी बोलते हैं -15 को, तो 10 फर्मी हुआ, ओके नहीं 10 का पावर -1 फर्मी, सॉरी। ये कहां लगेगा? बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, तो एटम का निर्माण जिन पार्टिकल से हुआ है ना उसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। फिर से एटम से भी जो छोटा कण हो उसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। तो बोल रहा सम बिटवीन सम एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। आप पहली बार सुन रहे हो एंटी न्यूट्रिनो? ओ तो भाई बहुत कुछ पहली बार सुनना है, 11th है ये, नर्सरी थोड़ी है, सुनो। अभी आप और सुनोगे एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, मेसॉन ठीक है, मेसॉन नाम का पार्टिकल है, क्वार्क नाम का पार्टिकल मिलेगा, क्वार्क्स नाम सुन लो सब, हम बता दे रहे हैं क्वार्क्स ठीक है, मिलने वाला है। ऐसा खोज चल रहा है कि क्वार्क्स नाम के पार्टिकल से मिलकर हर चीज बना है, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन भी, खैर छोड़ो उधर नहीं जाते हैं। तो बोल रहा है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। देखो पेपर में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि ये वाला बच्चों को समझ में नहीं आता, हम आपको पहले दिन भी बोले थे और फिर आज बोल रहे हैं, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ाएं और हार्ड लगे, कोई भी टॉपिक जो पढ़ के आपको एक बार में समझ में नहीं आया उस पे स्टार मार देना, बोलो क्यों? क्योंकि वो पेपर में उसी से सवाल आया। और ये तुम देखे भी होता है, जो तुमको समझ में नहीं आता है, जो नहीं समझ में आता है समझ में नहीं आता, सिंपल बिकॉज जो चीज कॉन्सेप्चुअल है वही आपको समझने में लेट लगता है, तो क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से डायरेक्ट में से क्या। अब ग्रेविटेशन से कोई सवाल पूछेगा भाई, कोई भी चलता फिरता है बता देगा क्या होता है, इसलिए इससे पूछा था वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो आप बोल सकते हो द फोर्स ऑफ द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो ठीक है। ये फोर्स कब काम करता है? बीटा डीके के वक्त। एक वर्ड याद रखना बीटा डीके, जब बीटा पार्टिकल टूट के निकलता है ना, अल्फा बीटा गामा सुने होगे, तो कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं, तो जब बीटा रेडिएशन निकलेगा तो ये फोर्स काम कर रहा होता है, इसी फोर्स से निकलता है। अब ये फोर्स ना ही अट्रैक्टिव है ना ही रिपल्सिव, ना ही खींचता है और ना ही रिपेल करता है, बस फोर्स है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और मैग्नेट मतलब चुंबक, तो चार्ज और चुंबक के अंदर जो भी फोर्स लग रहा है सब इसमें आ जाते हैं। इसका स्ट्रेंथ तो समझ गया, ये रेंज इसका भी इंफिनिटी है। देखो दो चार्ज इनफाइनाइट दूरी से बहुत दूर भी खींच लेता है, अगर मजबूत खींचने वाला रहा चार्ज, तो चार्ज पार्टिकल्स में लगता है ये फोर्स ठीक है। ये अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी, तुमको पता है प्लस प्लस रिपल्सन प्लस माइनस अट्रैक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ताकतवर है बट ये भी बहुत शॉर्ट रेंज पे काम करता है, मेरी बात को समझना। अगर दो पार्टिकल के बीच की दूरी 10 का पावर -15 या उससे कम हो तब ये काम करेगा, अगर ज्यादा हो गया तो काम नहीं करेगा, बहुत कम बहुत कम। ये कहां काम करता है? तो एटम का जो न्यूक्लियस है ना उनके उनमें काम करता है, एटम होता है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच में ये फोर्स लगता है। हम आपको एक दिन बताए भी थे कि अगर दो पार्टिकल के बीच की दूरी 10 का पावर -15 कर दो तो ये वाला फोर्स का वैल्यू खत्म हो जाता है। देखो फिर से समझना आपको कल भी बताए थे, तुमने पढ़ा है बच्चों की प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, पढ़े हो बट ये पूरा सत्य नहीं है, कल पढ़ा रहे थे ना। अगर ये प्लस प्लस के बीच की दूरी, अगर प्लस प्लस के बीच की दूरी 10 का पावर -15 कर दे तो चिपक जाएगा, समझा अट्रैक्टिव। कल हम पढ़ा रहे थे ना ये फॉल्सिफिकेशन में कि कौन सी बातें कहां नहीं लगती है, क्यों लग जाएगा? क्योंकि अब उनके बीच की दूरी 10 का पावर -15 हो गया तो अब उनके बीच का एक नया फोर्स आ गया, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ताकतवर है। तो ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच, तुम एक वर्ड बोल सकते हो न्यूक्लियॉन, किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में फोर्स लगता है। यह हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा खींचता है, कभी रिपेल नहीं करता, आप इसको नोट कर लें। देखिए बच्चों अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड का, अब ये फिजिकल वर्ल्ड हो जाएगा आपका खत्म, आप यहाँ पे फिनिश का हेडिंग लगा देना। इसके बाद हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन जिसको बोलते हैं वो चालू करेंगे अभी, ठीक है। तो लॉज, लॉज तो आप बचपन से सुनते आ रहे यार, इतना लॉ सुनोगे, एटलीस्ट न्यूटन का लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, दो गो लॉ तो सबने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार पांच लॉ, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सुन गया, मतलब कम से कम बच्चा 9वीं 10वीं आया था 5-6 लॉ तो आराम से सुन लेता है, लॉ लॉ सुनते सुनते उसका लॉ हो जाता है। तो लॉ मतलब कानून होता है, बट यहाँ कानून नहीं है, ये क्या है लॉ? द स्टेटमेंट और वर्ड, द स्टेटमेंट इन वर्ड, मतलब ऐसा लिखित कहानी हो सकता है स्टेटमेंट,
जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है ना, बस ऐसा बोल दिए भाई एनर्जी कॉन्स्टेंट होता है, या इक्वेशन हो सकता है, कोई कोई लॉ के फार्मूले होते हैं, जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फोर्स का एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो भाई फार्मूला भी हो सकता है, एंड लॉ एक स्टेटमेंट हो सकता है वर्ड में, या एक फॉर्मूला हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, दैट समराइजेस, जिसके अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट, हम आपको कल बताया था कि साइंस के अंदर कोई भी चीज कैसे शामिल होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, पहले ऑब्जर्व होता है फिर एक्सपेरिमेंट होता है, हम पहले देखते हैं फिर इसको प्रयोग करते हैं, तो वही चीज यहां पे लिखा है, दैट समराइज है, जो समराइज करे द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एंड ऑब्जर्वेशन फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ फिजिकल फेनोमेना, कुछ खास रेंज तक का फिनोमेनन, खास रेंज मतलब भाई मास वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मास की बात करोगे ना, एनर्जी वाला करोगे तो एनर्जी की बात करोगे ना, उसमें तुम फोर्स की तो बात नहीं कर दोगे ना, तो कुछ खास रेंज तक के होने वाली घटनाएं जो फिजिकल फिनोमेनन है उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उसके पूरे रिजल्ट को समराइज करते हुए एक फॉर्मूला बना दिया जाए, उसी को हम लोग लॉ बोलते हैं, समझ में आ गया लॉ ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि वैसा इक्वेशन जो कि समराइज करे उन सभी रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट के फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ फिजिकल फिनोमेना, कुछ खास दायरे तक का, सब नहीं, यानी कि पूरा एक एक को फार्मूला में पूरा फिजिक्स आ जाएगा वो तो नहीं हो सकता, कुछ खास दायरा, मास का लॉ तो मास पे वैलिड होगा, एनर्जी का लॉ तो एनर्जी वैलिड होगा। आप देखिए कंजर्वेशन लॉ ज्यादा आपने सुना होगा, लॉ भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कंजर्वेशन लॉ जैसे न्यूटन का लॉ कंजर्वेशन लॉ नहीं है, जिस लॉ के आगे कंजर्वेशन वर्ड लगा उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो कंजर्व वर्ड का मतलब होता है याद रखना कांस्टेंट, बस इतना याद रखो, कोई भी चीज जो बदले नहीं उसको क्या बोलते हैं, कंजर्व है वो, कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे सब फिजिकल क्वांटिटी, कुछ कुछ चीजें जो होती है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट होती है, देन दे आर एक्सप्लेन्ड बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तब उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से बताते हैं, जैसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी चीज का एनर्जी कॉन्स्टेंट रहता है सिस्टम का, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यही लिखा है खत्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही लिखा होगा बस ऐसा ही, देखो टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला अकेला, नहीं तो क्या होगा, मान लो इस पे चार्ज है और इसको तुम तार से जोड़ दिए तो फ्लो होकर चार्ज चला जाएगा तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा ना, अकेला सिस्टम आइसोलेटेड जमीन के टच में नहीं होना चाहिए तो कॉन्स्टेंट रहेगा चार्ज। अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आप पढ़े होगे 10th में, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पढ़े हो कि नहीं, मोमेंटम पी, उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, याद रखना इस बात को, जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगा देन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट या कंजर्व, कॉन्स्टेंट या कंजर्व एक ही होता है, तब लीनियर मोमेंटम नहीं बदलता है, पढ़ा होगा आपने। अगला है इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ने आपको दिन पढ़ाया था, फिर से बता रहे R मल्टीप्लाई पी, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम L, टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम, पढ़े हो कि नहीं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कब लगता है, जब वस्तु गोल गोल घूमती है, टक 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 टक। अच्छा तुमको याद होगा गोल गोल घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, गोल गोल घुमाने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क, सीधे सीधे चलाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो अब यहां देखो लिखा था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स की बात होगी लीनियर मोमेंटम में और टॉर्क की बात होगी एंगुलर मोमेंटम में, तो यहां क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जब बाहर से टॉर्क नहीं लगे तो एम, एम यानी एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट में लिख दिया हमने जगह नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सेम है दोनों स्टेटमेंट, यहां लिखा है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहां लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहां लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। आ गया होगा समझ में, आई हो बच्चों, आ गया ना, तो बस यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड होता है खत्म।